हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जयराम सरकार के दौरान लिए गए 1 अप्रैल 2022 के सभी फैसलों को रिव्यू करने के आदेश जारी किए हैं। इस पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को केवल 6 महीने ही नहीं बल्कि पूरे 5 साल के फैसले रिव्यू करने चाहिए। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने कभी कोई गलत फैसला नहीं लिया, ऐसे में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को सभी फैसले रिव्यू कर लेने चाहिए। हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता के बीच झूठ फैलाया, जनता भी कांग्रेस पार्टी के झूठ में आ गई है। प्रदेश सरकार के वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की जा सके। उन्होंने कहा कि उन्हें कांग्रेस के वादे पर विश्वास नहीं है, हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली नहीं की जा सकती। निश्चित तौर से पहले भी यही बोला गया था, आज भी यही बोला गया है, लेकिन लोग भ्रमित हुए हैं, लोगों ने इनकी बात पे विश्वास किया है। अब इनको समय देना चाहिए, समय के अनुसार देखते हैं क्या डिसीजन होता है। क्या लगता है आपको ओपीएस बहाल कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा होगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जब आपको पता है कि केंद्र सरकार ने क्या बोला है, आपको पता है प्रदेश सरकार की क्या हालत है, ऐसी हालत में ओपीएस कैसे मिल सकती है? आपके तो पहले ही दिन कुर्सी संभालते ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की सरकार ने जो है ताबड़तोड़ फैसले लिए, समीक्षा करेंगे आपके कामों की? हमने कोई बुरा काम नहीं किया है, प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने डिसीजन लिए हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को जो लगता है कि हमने कुछ गलत किया है तो उसको डीनोटिफाई कर दें, अगर उनको लगता है कि हमने ठीक किया है तो उसको कंटिन्यू करें। और मैं तो ये चाहता हूं कि 6 महीने के क्यों देखने हैं, पूरे 5 साल के डिसीजन देखिए कि पिछले पूरे 5 वर्षों में क्या किया है पिछली सरकार ने। अगर उनमें उनको लगता है कि उस सरकार ने कुछ गलत किया है तो उसको रोकें, जो ठीक किया है उसको आगे बढ़ाएं। जल शक्ति विभाग के तो टेंडर भी रद्द कर दिए गए, और जब व्यक्ति नया नया कुर्सी पे बैठता है तो ऐसे काम करके तभी आप लोगों के पास प्रश्न आएंगे ना, तभी आप हम लोगों से पूछेंगे। इसलिए अच्छी बात है, अच्छा काम करेंगे सुक्खू जी तो लोगों के बीच में वाह-वाह होगी, हमें आई है। इसलिए हम जो चाहेंगे कि उन गारंटियों को वो पूरा करें, जो लोगों से उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करें, और समय के साथ साथ देखते हैं क्या पूरा होता है क्या रहता है।